एक बार की बात है, वृंदावन जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा खेतीबाड़ी का काम करता था। उस समय बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल में तेज बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे, लेकिन मीनू का पूरा परिवार जाग रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे रजाई उड़ा देती हूँ। फिर उसके बाद मीनू चिड़िया अपनी बेटी को रजाई से उड़ा देती है। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। देख रहे हो ना कितनी तेज बारिश हो रही है, और हमारा घर भी कई जगह से टूट फूट गया है। अगर आपने समय रहते मरम्मत कर ली होती तो इस भयंकर बारिश में हमें हमारे बच्चों को इस तरह बारिश में ठुठुरना नहीं पड़ता। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम से सो रहे हैं, और एक हम है कि जो इतनी रात को भी जाग रहे हैं। अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो हम हरी तोती के घर चलते हैं। उसका घर लकड़ी का है, और तो और ठंड से बचने के लिए उसने अपने घर में हीटर भी लगवा रखा है। बात तो तुम्हारी सही है मीनू, लेकिन हरी तोती हमें अपने घर में रहने देगी क्या? उसका पति तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। मैं उसके घर गई थी। उसका पति किसी काम से दिल्ली गया हुआ है, और महीने भर बाद लौटेगा। तो फिर ठीक है, चलो हम हरी तोती के घर चलते हैं। मीनू चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ हरी तोती के घर जाती है। हरी तोती बहन, ओ हरी तोती बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है मीनू, इतनी तेज बारिश हो रही है, हम दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आ सकते। मिट्टू भैया, बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है, और मेरा घर कई जगह से टूटा फूटा है। ठंड के कारण हमें नींद नहीं आ रही है। कृपया करके हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। मीनू, तुम कहीं और जाकर अपना इंतजाम करो। हमारे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मिट्टू भैया, मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे घर आई हूँ। एक रात के लिए कृपया हमें अपने घर में रख लो। दोनों पति पत्नी मीनू चिड़िया की बातों का कोई जवाब नहीं देते। फिर मीनू चिड़िया पिंकी चिड़िया के घर आती है। अरे पिंकी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। हमें आज की रात अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ये क्या मीनू, आधी रात तुम मेरे घर क्या करने आई हो? क्या बताऊं पिंकी बहन, मेरा घर कई जगह से टूट फूट गया है, और उसके अंदर ठंडी हवा आ रही है, जिस कारण हमें नींद भी नहीं आ रही थी। बस आज की रात हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना मीनू, कि मैंने भी अपने घर की मरम्मत नहीं की है। अगर मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी तो मेरा भी घर टूट जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी बकवक सुनकर मेरे बच्चे जाग जाएंगे। पिंकी बहन, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी ठंड से कांप रही है। मीनू, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर पिंकी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब हम क्या करें कालू जी, और अब हम कहाँ जाएंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर एक जादूगर वहाँ आता है, और वो चिड़िया से कहता है। क्या हुआ चिड़िया बहन,
तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। जादूगर भैया जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। मेरे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, मेरा घोंसला भी पूरा टूटा फूटा है। जादूगर भैया जी, मेरी मदद कीजिए। बेटी, अब तुम्हारे दुखों के दिन कट गए, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। ये लो जादुई मिट्टी, इससे अपने लिए मिट्टी का घर बनाओ, घर बनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये लो बीज, इन्हें ले जाकर अपने आंगन में बो देना, ये एक जादुई बीज हैं, ये सालों साल तुम्हारे पेड़ पर लगे रहेंगे और इन्हें बेचकर फिर तुम खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहकर वो जादूगर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया भी उस मिट्टी और बीजों को लेकर अपने घर आ जाती है और वो उस मिट्टी को अपने आंगन में लाकर रख देती है। फिर उसके बाद अपने आप ही उस जादुई मिट्टी से जादुई मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये जादुई मिट्टी घर तो बहुत सुंदर है और ये तो अपने आप ही बनकर तैयार हो गया। और फिर अगले दिन मीनू चिड़िया उन जादुई बीजों को भी अपने आंगन में बो देती है। अगले दिन मीनू सोकर उठती है तो वो देखती है, अरे कल जो मैंने बीज बोए थे उससे ये इतना बड़ा विशाल पेड़ उग गया है और इस पर फल भी लग गए हैं। मैं अभी इन फलों को तोड़कर जंगल में जाकर बेचूंगी। फिर मीनू उन फलों को तोड़कर जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। अब मीनू के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ, अगर वो जंगल में जादूगर भैया जी नहीं मिलते तो आज हमारा ये मिट्टी का घर भी नहीं होता। हाँ बेटी, एक बार हम फिर से जंगल में चलेंगे और उन जादूगर भैया जी का धन्यवाद करेंगे। चल लाड़ो बेटी, अब ये बातें छोड़ और जल्दी से खाना खा ले। इस तरह मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बनाने लग जाती है और सभी पक्षी उसे नदी से मिट्टी ला ला कर देने लगते हैं। इस वजह से घर जल्दी ही बन जाता है। वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा बना है। जी करता है मैं भी अपने लिए मिट्टी का घर बना लूं। गर्मियों का मौसम आने वाला था और सभी पक्षी अपने लिए ठंडे घर बनाने की बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चिड़िया, आज से ही क्यों? अभी तो काफी समय है घर बनाने के लिए। कालू भैया, मैं आज से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अगर हमारे घर जल्दी बन जाएंगे तो हम भयंकर गर्मी में आराम से रह पाएंगे। चिड़िया बहन, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैंने पिछली बार अपना घर बहुत भयंकर गर्मी में बनाया था तो मेरा बेटा बीमार पड़ गया और मेरे पति भी बड़ी मुश्किल से बचे थे। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी गौरी को खबर भिजवाता हूँ, वो भी अपने मायके से आ जाएगी। दोस्तों, हम आज से ही चिड़िया के साथ घर बनाने का काम शुरू करते हैं। ऐसे ही बातें कर वो सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ी खोजने चले जाते हैं और कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को बुलाने उसके मायके चला जाता है। कालू जी, आप मेरे बिन एक दिन भी ना रह पाए, जो पीछे पीछे ही मुझे बुलाने आ गए। गौरी, पीछे पीछे तो बुलाने नहीं आता, मगर चिड़िया ने सबको बताया है कि इस बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी तो सभी पक्षियों ने अपने नए घर बनाने शुरू कर दिए हैं, तो हमें भी अपने नए घर बनाने होंगे। कालू, पागल हो गए हो जो घर बनाने की बातें कर रहे हो।
गौरी, आपका मतलब क्या है? क्या इस बार भी हम खुद का घर नहीं बनाएंगे? कालू जी कभी बनाया है जो अब घर बनाएंगे, किसी न किसी कमजोर बच्ची का छीन लेंगे। आप बड़ी टेंशन लेते हो घर की। गौरी हर बारी तो ऐसा करते हैं और आखिर में आकर मारी खाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चुप कर जाओ कालू, ये मम्मा का घर है, किसी ने सुन लिया तो कोई क्या कहेगा कि हम घर नहीं बनाते और बच्चियों से मार भी खाते हैं। ठीक है गौरी, तो अब मैं जाऊं या एक दो दिन यहीं रुक जाऊं? अब आ गए हो तो एक दो दिन यहीं रुक जाओ, वरना मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे कि गौरी झगड़ा कर आ गई है और अपने पति के बुलाने पर भी ना गई। ऐसे ही बातें कर गौरी को अभी कालू को वहीं रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के बाकी पक्षी अपनी जी जान लगाकर अपना घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, ये कालू गौरी कहाँ जाकर मर गए? इस बार भी अपना घर नहीं बना रहे। जब गर्मी सताएगी तब किसी ना किसी का घर छीन लेंगे। हाँ तोते, आप एकदम ठीक कह रहे हो, वो कालू और गौरी बहुत बदमाश हैं। उनसे सावधान रहना होगा, वरना बड़ी चालाकी से बना बनाया घर छीन लेंगे। आप दोनों एकदम ठीक कह रहे हैं, इस बार भी उनके मन में कोई न कोई शैतानी चल रही होगी, तभी तो वो अपना घर नहीं बना रहे। अगर इस बार उन्होंने किसी का भी घर छीना तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप ये ना कहना कि ये हमारे पड़ोसी हैं। ऐसे बातें कर वो सभी पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कालू गौरी भी अपने जंगल लौट आए थे। कालू जी, आप बस सभी पक्षियों के घर पे नजर रखना कि किसका सबसे ज्यादा अच्छा और ठंडा घर बना है। पर क्यों गौरी? जिसका भी घर सबसे ज्यादा मजबूत और ठंडा घर होगा उसी का घर छीनेंगे। चोरी भी करें तो बेकार वाली, ऐसे क्या फायदा, बढ़िया सा घर छीनेंगे। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि किसने अपना घर ठंडा बनाया है। ऐसे बातें कर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बारी बारी सभी पक्षियों का घर देखता है। चिड़िया का घर सबसे ज्यादा मजबूत बना है, इसी का घर छीनेंगे। अभी जाकर गौरी को बताता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और गौरी कौवी को बता देता है कि चिड़िया का घर सबसे ज्यादा मजबूत बना है। बस कालू जी, अब हो गया फैसला, अब हम उस छोटी चिड़िया का ही घर छीनेंगे। वैसे भी वो एक ही है जो हमारे झांसे में जल्दी फंस जाती है। फिर वो दोनों चिड़िया के घर को बनने का इंतजार करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कालू जी, कितनी गर्मी लग रही है, इस घर में अब और नहीं रहा जाता। उस चिड़िया को कितने दिन और लगेंगे घर बनाने में? बस गौरी, एक दो दिन ही लगने वाले हैं चिड़िया को, वो अपनी छत का काम कर रही है। चिड़िया, मेरा घर तो बन गया है, आपके घर में कितने दिन और लगेंगे? बस तोता भैया, आज का दिन फिर मेरा भी घर बन जाएगा। फिर वो सभी पक्षी कड़ी मेहनत के बाद अपना घर बना लेते हैं और सुकून से अपने घर में रहने लगते हैं। गौरी, क्या सोचा है, घर कैसे छीना जाएगा उस चिड़िया से? कालू जी, बस आप बाजार से ताले ले आओ, फिर बताती हूँ कि घर कैसे छीनेंगे। फिर कालू कौवा बाजार से कुछ ताले खरीद लाता है। कालू जी, अब हम इन तालों को बेचने जाते हैं। परंतु क्यों गौरी, हम ये ताले क्यों बेच रहे हैं? आप बस मेरे साथ चलो और देखते जाओ कि ये ताले हम क्यों बेच रहे हैं। ऐसे कहकर कालू और गौरी ताले बेचने चले जाते हैं। वो कई पक्षियों को ताले बेच देते हैं।
अरे कालू गोरी, आपने कब से ताले बेचने का काम शुरू कर दिया? जब से आपने देखा है समझो तभी से। अब आप भी अपने घर के लिए एक ताला खरीद लो, बाकियों ने तो खरीद लिए। ठीक है कालू भैया, एक ताला मुझे भी दे दो। नाना चिड़िया बहन, ताला तो मेन गेट से खुद ही लगाना है, आपसे लगाया ना जाएगा। ठीक है, फिर आप ही लगा दो ताला। फिर कालू गोरी अंदर से ताला लगा लेते हैं। कालू भैया, ताला अंदर से क्यों लगा रहे हो? ताला तो बाहर से लगता है। छोटी चिड़िया, अब हमारी मर्जी, चाहे ताला अंदर से लगाएं या बाहर से, आपको क्या लेना? गोरी बहन, ये घर मेरा है तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। कौन कहता है कि ये घर तेरा है? ये घर तो अब हमारा है, क्योंकि हमने इस घर पर ताला जो लगा रखा है। अब चलो भागो यहाँ से। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू और गोरी तो बहुत खुश हो रहे थे। कालू जी, ये देखो चिड़िया ने कितना सारा भोजन जमा कर रखा है। अब हमें भोजन खोजने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इतनी तेज गर्मी में। वो दोनों तो चिड़िया को भगाकर बहुत खुशियाँ मना रहे थे। और चिड़िया रोते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। चलो चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उन जालिमों को अभी बताता हूँ। फिर वो सभी बच्ची चिड़िया के घर चले जाते हैं और कालू और गोरी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों तो दरवाजा ही नहीं खोलते। तोता भैया, चलो यहाँ से, ये दोनों बहुत मक्कार हैं, अब ये दोनों किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं अपने लिए कोई दूसरा घर बना लेती हूँ। लेकिन चिड़िया, आपसे तो यही घर बहुत दिनों में बना था, और ऐसे कोई आपसे घर छीन ले, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इन्हें तो कोई ना कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अपने घर का ताला इनके घर के बाहर लगा देता हूँ, जब अंदर का भोजन खत्म हो जाएगा तो ये दोनों भूखे प्यासे मरेंगे और इनकी यही सजा होगी। वो सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं और ताला लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। परंतु चिड़िया, गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, फिर तुम इतनी गर्मी में अपना घर कैसे बनाओगी? मिट्टू तोते, मैं सोच रही हूँ कि घर लकड़ी की बजाय मिट्टी का बना लूँ। मिट्टी का घर? लेकिन वो कैसे? हमने तो कभी नहीं बनाया। मिट्टू तोते, बचपन में मैं अपनी मम्मा के साथ मिट्टी के घर में रहती थी और मेरी मम्मा मिट्टी के घर बनाना जानती थी और तभी से मैंने सीख लिया। ठीक है मीनू बहन, तुम अपना मिट्टी का घर बनाओ और अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम हमें बता देना, हम हर समय तैयार रहेंगे। फिर मीनू चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बनाने लग जाती है और सभी पक्षी उसे नदी से मिट्टी ला ला कर देने लगते हैं। इस वजह से घर जल्दी ही बन जाता है। वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा बना है। जी करता है मैं भी अपने लिए मिट्टी का घर बना लूं। हाँ चिड़िया बहन, घर तो वाकई में बहुत ठंडा है, अगली बार से हम भी मिट्टी के ही घर बनाया करेंगे। फिर चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और कुछ समय के बाद कालू और गोरी का भोजन भी खत्म हो गया था। कालू जी, कोई तो हमारी आवाज़ सुन ही नहीं रहा है, जरा और तेज आवाज लगाना। फिर वो दोनों खूब जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। अब मरेंगे यही भूखे, क्योंकि उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया है। कालू जी, अच्छा होता कि हम ताले नहीं बेचते और घर को किसी और तरीके से छीन लेते। फिर वो दोनों वहीं पर कैद हो जाते हैं और दरवाजा खुलने की प्रार्थना करते हैं। अगर कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो कृपया करके दरवाजा खोल दो, अब हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे।
फिरौना वहाँ भूखे प्यासे चीख रहे थे और आते जाते चिड़िया के कानों में उनकी आवाज पहुँच जाती है और वह दरवाजा खोल देती है। चिड़िया हमें माफ कर दो और अपना घर ले लो। कालू गोरी अब ये घर तुम्हारा ही है क्योंकि मैंने तो अपने लिए मिट्टी का घर बना लिया है और भूखे प्यासे रहकर तुम्हें चोरी की सजा मिली है, तो ये घर अब आप ही रखें और दोबारा से किसी का घर धोखे से ना छीने। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो जो हमें माफ कर दिया, वरना हम तो भूखे प्यासे यहीं मर जाते। फिर चिड़िया उन्हें घर देकर अपने मिट्टी के घर में चली जाती है और गोरी और कालू को भी सबक मिल गया था कि आज के बाद वो किसी का घर नहीं छीनेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से डरकर नहीं भागना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि मीनू चिड़िया को जादुई मिट्टी और जादुई बीज किसने दिए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।